हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मई चैनल ईडाट। चिकन बिरयानी जीरक सांबार राइस एपी पड़ला पाकल। इत वो सिंपल मेशरमेंट्स अब अम्मा स्टाइल अल ना इप्डी सेको अंद सिंपल मेशरमेंट्स इमीचर वो थ्री कप्स जीरक सांबार राइस ना कुक पड़ स्टार्ट पड़ो करेक्टा तनी ऊती ऊरा वे पट क्रांबु ऐलका वचिक्ला कसगसा मूणु परिय वंगायम नील नीलम कट पड़े अदक्रम अंजु पचम वदक मल कप अदीना और कप नाल पचम अरे वो मूणु ती नील नीलम कट पड़ी वचर जिंजर गार्लिक वह अरे वो कुछ ती व कमिया ऊती कड़े वांग ना विनीगर पटर नेक्स्ट चिकन और मुका किलो कुकर मूणु स्पून नै नेक्स्ट मूणु स्पून आयिल नेक्स्ट बिरयानी पट क्रांबु ऐलका अटरल अद ना ब्राउन आनदम अद वचर अंजु पचम अपरम मूणु वंगायम नील नीलम कट पड़ी वचर नेक्स्ट ना वद रोम ब्रउन आगकूड़ा अदारी रोम उड़न नेक्स्ट इंजिपूंडा अंदाला टेस्ट नाला वो इन कुछ ब्रउन आगे कुछ मुना ना वदंगना टेस्ट नल इंगय ना वदंगी अंत कुछ प्रिंज वर आरमचर इतना वो मलिए पुदीना पचम मूणु अरे वचर अंत पेस्ट उ आड पड़ी के अंज तनियाँ अदक्रम रोम तनिया अलग आड पड़ा इतने अब निषं ना वतको अदक्रम फा चापनी वचर मलिए पुदीना अद से वतकल थ्री टू फोर मिनट्स ना वतको इलेना अंत पच वास नल्का टेस्ट कसपा मल पुदीनाम इला वदी एन प्रिंज वर आरमचर नेक्स्ट वो इंजिपूंड पेस्ट पटरल अब वो मूणु स्पून इंजिपूंड पेस्ट ना वदंगे सिमल वी कुछ मीडियम फ्लेम वे हई फ्लेम वा अब रोम अड़े पिटचर ना वो मीडियम फ्लेम वे ना वदे कुछ वदंगामों अंत फ्लेवर ना इंजिपूंड वासन अंत पच फ्लेवर और मादी अद मल पुदीना अद अंज वदंगा फ्लेवर नल्का इंजिपूंड ना वदंगी ना एल प्रिंज वजह नेक्स्ट वो तक आड पड़ेल मूणु तक नील नीलम कट पड़ी वचर अड पड़ा नेक्स्ट अदार तक ना वदंगो इमें प्रिंज वा नल्लना कुछ तनिया मादी अंत प्रिंज वादा प्रयाणी वो नम्ब अरसमो अंतर अब कल स्पून मंज तूल अदक्रम हाफ स्पून वो मिगा तू ना वे मसाल आड पड़े गरम मसाल मल तूल अद आड पड़े नेक्स्ट चिकन आड पड़ेल कुछ साटे पड़े नेक्स्ट वो प्रयाणी की तेवान अल्व उपटा टू थ्री मिनट्स लाइटा साटे पड़े अद मूड़ वे फाइव मिनट्स वो मीडियम फ्लेम वे कुक ना कुक ना एन प्रिंज मेल वो ना चिकन कुक नेक्स्ट वो प्रयाणी की तेवान अल्व ती ऊतिकल ना वो टम्लर अरसी की ओं टम्लर ती ऊतें मूणु टम्लर अरसी नाल टम्लर ती ऊ वच अरसी अद
நெக்ஸ்ட் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா அரிசியை வந்து ஆட் பண்றேன். முதல்லே ஆட் பண்ணா அது வந்து அரிசி இன்னும் கூட கொஞ்சம் குழஞ்சிரும், இதுனா வந்து கரெக்டா இருக்கும். அதனால தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து salt ஏதா கம்மியா இருந்ததனாலும் செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து விசில் போட மாட்டேன். நீங்கள் வந்து விசில் போட்டு தான் எப்போவுமே பிரியாணி குக் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து நீங்கள் லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு விசில் வச்சா போதும். அப்படி இல்லைன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா வற்றி வந்ததுக்கப்புறமா மேலே ஏதோ மேலே வந்து அந்த எண்ணெய்லாம் அப்படி பிரிஞ்சு நிற்கிறதில்லை, அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி குக்கர் விசில் வச்சு ஒரு 5 to 10 minutes வந்து சிம்மில் வைக்கணும். ஸோ இப்போ இது கரெக்டாக வெந்திருக்கு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு 2 spoon நெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். பிரியாணி ரெடி. ஜீரக சம்பா ரைஸ்க்குனே ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கும். நீங்கள் இது வரைக்கும் ஜீரக சம்பா ரைஸில் ட்ரை பண்ணலன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.